द शर्ट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि एरोड से मर्चेंट्स क्या करते हैं, वो क्लोथ को खरीद कर दिल्ली में जो गारमेंट फैक्ट्री है उसको बेच देते हैं। हालांकि सभी जो मर्चेंट्स हैं वो सिर्फ दिल्ली की इस गारमेंट फैक्ट्री में नहीं बेचते, तो ये हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल लिया है कि किस तरीके से एक मर्चेंट ने जो अपना क्लोथ खरीदा था एरोड की मार्केट से, वो उसने दिल्ली की एक गारमेंट फैक्ट्री को बेच दिया। अब दिल्ली की वो जो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो क्या करती है, वो शर्ट्स बनाती है और उस शर्ट को वो आगे जो फॉरेन बिजनेस पर्सन होते हैं उनको बेच देती है। और वो जो फॉरेन बिजनेस पर्सन हैं वो लोग बहुत बड़े बड़े स्टोर्स चलाते हैं दूसरे देशों में, राइट? तो देखते हैं कि यूनाइटेड स्टेट में ये जो शर्ट है वो किस तरीके से बिकती है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि यूनाइटेड स्टेट्स में जो बायर्स हैं या फिर जो स्टोर कीपर्स हैं उनके बहुत बड़े बड़े स्टोर्स होते हैं, दे हैव चेन्स ऑफ स्टोर्स एंड दे बाय दीज शर्ट्स एट वेरी लो प्राइस फ्रॉम द गारमेंट फैक्ट्री ऑफ दिल्ली, राइट? तो अ नंबर ऑफ शर्ट्स आर ऑन डिस्प्ले एट लार्ज क्लोथ शॉप्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट की बहुत सारी शॉप्स में इस तरीके से जो कपड़े हैं वो डिस्प्ले में रहते हैं। डिस्प्ले में क्या होता है कि जैसे दुकानों में कपड़े आप बहुत सारे टंगे नहीं देखते हो, तो कस्टमर्स को दिखाने के लिए और उन्हें अट्रैक्ट करने के लिए इस तरीके से दुकान में कपड़ों को लगाया जाता है, किसी भी सामान को डिस्प्ले किया जाता है ताकि जो कस्टमर्स हैं वो ये समझ पाएं कि इस दुकान में बिक क्या रहा है और वो और अट्रैक्ट हों उसको खरीदने के लिए। तो वही होता है डिस्प्ले। तो डिस्प्ले पे इन शर्ट्स को लगाया जाता है यूनाइटेड स्टेट्स में और उसका प्राइस कितना रखा जाता है, $26। इसका मतलब अराउंड 1800 रुपीज की ये जो शर्ट है वो बेची जा रही है यूनाइटेड स्टेट्स में। अब यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है जिससे हम समझ पाएंगे कि ये जो यूएस के स्टोर्स हैं वो एक शर्ट पे कितना ज्यादा कमाते। तो उन्होंने ये शर्ट जो है वो खरीदी थी 300 रुपए में, राइट? जो दिल्ली की गारमेंट फैक्ट्री थी वहां से 300 रुपयों में इन्होंने ये शर्ट खरीदी। फिर उसके बाद इसको स्टोर करने में, शर्ट्स को स्टोर करने में इन्हें लगभग 200 रुपए लगे, ठीक है? स्टोर भी करना होता है ना, कि ऐसा तो है नहीं कि भाई सामान खरीदा और वो बिक जाएगा तुरंत तुरंत, ऐसा नहीं होता। सामान को खरीदने के टाइम में, खरीदने से लेकर सामान को बेचने के बीच का जो टाइम है उसमें कपड़ों को कहीं ना कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा ना, है ना? तो स्टोरेज के लिए पैसा लगाना पड़ता है। तो 200 रुपए जो है वो यूएस के स्टोर ने 200 रुपए स्टोरेज में लगाए। फिर 400 रुपए एडवर्टाइजिंग में लगाए कि जैसे टीवी पे हम एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं, न्यूज़पेपर्स में एडवर्टीजमेंट देखते हैं, बिलबोर्ड्स देखते हैं, तो ये सब क्या है, ये एडवर्टीजमेंट है जिनके थ्रू जो कंपनीज हैं, जो स्टोर्स हैं, वो हमें ये बताना चाहते हैं कि उनके पास इस तरीके का प्रोडक्ट जो है वो मिलता है, इसकी ये क्वालिटीज है, आप आके खरीदो। तो 400 रुपए जो है ये बिजनेस पर्सन एडवर्टाइजिंग पे लगाते हैं। उसके बाद ये इसको बेचते कितने पे, अभी तक हमने कही ये सारी क्या होगी इसकी कॉस्ट। कॉस्ट क्या होता है कि भाई उस प्रोडक्ट को एक्वायर करने में, मेंटेन करने में, उसे रेडी टू सेल करने में कितना पैसा लगा, वो है हमारी कॉस्ट। तो परचेज में 300 प्लस 200, 500 प्लस 400 एडवर्टाइजिंग के, तो ये लग गए 900 रुपए। तो 900 रुपए जो थी ये कॉस्ट थी, मतलब कि ये जो बिजनेस पर्सन है इसने 900 रुपए भी शर्ट पे खर्च किए। अब ऐसा तो है नहीं कि वो 900 के खर्च किया और 900 पे ही बेच देगा, उसे कुछ प्रॉफिट चाहिए होगा ताकि वो इस कॉस्ट को कवर कर पाए। तो वो टोटल इसे 1800 रुपए में बेचता है। तो 900 तो इसकी कॉस्ट हो गई, तो 1800 माइनस 900 मतलब कि 900 रुपीज जो है इसका प्रॉफिट है, ठीक है? प्रॉफिट कितना हुआ, 900। तो आप ये टोटल करोगे तो ये 1800 बनेगा, राइट? तो 1800 में से 900 इसकी कॉस्ट और 900 प्रॉफिट है। तो हम देखें एक तरीके से 100% प्रॉफिट पे ये जो स्टोर्स हैं ये शर्ट को बेच रहे हैं 100%। देख लो कितना ज्यादा मार्जिन है इनके प्रॉफिट का, और जितनी ज्यादा ये शर्ट्स बेचेंगे उतना ही ज्यादा इनको प्रॉफिट होगा। अब जो दिल्ली का गारमेंट एक्सपोर्टर था उसने ये शर्ट 300 रुपए में बेची थी। देखो 300 रुपए में इसने परचेज किया, यूएस के जो बिजनेस पर्सन है अगर उन्होंने 300 रुपए का परचेज किया, मतलब कि जो दिल्ली के गारमेंट एक्सपोर्टर थे उन्होंने 300 रुपए में इनको बेचा, राइट? तो इनका सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 300 रुपए। और ये जो गारमेंट एक्सपोर्टर था इसे लगभग 100 रुपए जो है 100 रुपए पर शर्ट रॉ मटेरियल पे लगा, ठीक है? कपड़े को खरीदने में, शर्ट्स, बटन्स, धागा वगैरह जो है टेलर्स को पैसे वैसे देने में, अब उन्हें और 25 रुपए लग गए, राइट? तो 100 रुपए उनके रॉ मटेरियल में लगे, 25 रुपए उनको टेलर्स को देने में लगे पर शर्ट, राइट? द कॉस्ट ऑफ रनिंग हिज ऑफिस केम टू बी ₹25 शर्ट पर शर्ट। तो मतलब कि उसने 100 रुपए जो है रॉ मटेरियल पे खर्च किए, 100 प्लस 25 ये टेलर के थे, प्लस 25 ऑफिस चलाने के, भी ऑफिस में भी बहुत सारी चीजें होती हैं, बिजली का खर्चा है,
स्टेशनरी वगैरह है, तो मतलब बहुत सारे खर्चे होते हैं ऑफिस के भी। तो ये हो गया रॉ मटेरियल, ये हो गया टेलर का, ये हो गया 25 रुपीज पर शर्ट इसका ऑफिस का, तो ये टोटल हो गया 150 रुपए, राइट 150 रुपीज। और इसने बेची कितने पे थी, 300 रुपीज पे, तो 300 उसकी सेलिंग प्राइस हो गया। अब सेलिंग प्राइस में अगर हम कॉस्ट माइनस करेंगे, 150 माइनस करेंगे, तो बचेगा कितना, 150। तो इसका भी जो प्रॉफिट था वो 100% ही था, मतलब कि 150 इसको कॉस्ट लगे और 150 पे ही इसने प्रॉफिट कमाया। तो मतलब टोटल 300 रुपीज में इन्होंने बेचा। अब ये तो हमने देख लिया कि जो शर्ट है वो किस तरीके से बिकती है फॉरेन में, किस तरीके से उस पर कितना ज्यादा प्रॉफिट कमाया जाता है, और जो गारमेंट एक्सपोर्टर्स होते हैं उनको भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाता है, वो भी अच्छा खासा कमा लेते हैं इस पूरे सिस्टम में। बट हु आर द गेनर्स इन द मार्केट, मार्केट में जो पूरा प्रोसेस है बाइंग एंड सेलिंग का, जो पूरी चेन है, इसमें आखिरकार कौन गेनर्स है, इनको ज्यादा फायदा हो रहा है, राइट। अ चेन ऑफ मार्केट लिंक द प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टू द बायर्स एट द सुपर मार्केट। तो शर्ट कहाँ से खरीदी जाती है, हम सुपर मार्केट स्टोर वगैरह से जो शर्ट है वो खरीदते हैं। अब शर्ट बनती किससे है, कपड़े से, वो कपड़ा किससे बनता है, यार्न से, यार्न किससे बनता है, कॉटन से। मतलब कि इस शर्ट की जो उत्पत्ति है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है, वो है कॉटन, ठीक है। और कॉटन कौन उगाते हैं, फार्मर्स उगाते हैं। तो ये कॉटन प्रोड्यूसर से लेकर ये जो जर्नी है सुपरमार्केट तक की शर्ट की, ये कैसे पूरी होती है, मतलब कि कॉटन का जो प्रोड्यूसर है और जो बायर है इस शर्ट का, इन लोगों को जोड़ता कौन है बीच में, ये है चेन ऑफ मार्केट, है ना। हमने पढ़ा था ना चेन ऑफ मार्केट, होलसेलर, रिटेलर, ये सब के बारे में। तो वही जो चेन है वो इन दोनों को जोड़ती है, किसको, कॉटन के प्रोड्यूसर को और बायर को, जो अल्टीमेटली शर्ट को खरीद रहा है। और इस चेन में हर जगह पे बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस होता है। जब ये कॉटन प्रोड्यूसर आगे किसी ट्रेडर को कॉटन बेचता है, तो वो सेलिंग हो रही है, मतलब कि जो फार्मर है वो अपनी तरफ से सेल कर रहा है और जो ट्रेडर है वो खरीद रहा है। तो मतलब हर जगह पे ये जो चेन है, इसमें हर स्टेज पे बाइंग एंड सेलिंग होती है। अब हम इसमें याद करें, जहां जो भी अभी तक हमने पढ़ लिया है, कि इस पूरे प्रोसेस में कौन कौन इन्वॉल्व था। तो सबसे पहले हमने स्वप्ना की स्टोरी पढ़ी, उसमें पढ़ा था कि हमने किस तरीके से उसने कॉटन उगाई, फिर उसे आगे बेचा। फिर जो ट्रेडर था, या तो उसके वहां पे खुद प्रोसेसिंग यूनिट्स होंगी जिससे वो यार्न बनाए उस कॉटन से, या उसने, ट्रेडर ने आगे किसी और को बेच दिया होगा ताकि वो पर्सन जो है यार्न बनाए, ठीक है। मान लो अब ट्रेडर से, ये ट्रेडर था, यहाँ पे स्वप्ना थी, तो स्वप्ना ने ट्रेडर को दिया, ट्रेडर ने किसी और को दे दिया, दूसरे पर्सन को दे दिया, दूसरे ट्रेडर को दे दिया, जिसने कि उसका यार्न बनाया। अब इस ट्रेडर से एरोड मार्केट में जो मर्चेंट्स थे, है ना, मर्चेंट्स थे, वो यार्न को खरीदते हैं। हमने पढ़ा था ना कि जो मर्चेंट्स हैं वो यार्न खरीदते हैं दूसरे ट्रेडर से, और उसको आगे किसे दे देते हैं, जो वीवर्स होते हैं उन्हें देते हैं, राइट। तो स्वप्ना, स्वप्ना से जो ट्रेडर था जिसने कॉटन खरीदी, उसने आगे दूसरे को दे दिया यार्न बनाने के लिए, फिर मर्चेंट्स ने इससे यार्न खरीदी, और मर्चेंट ने आगे वीवर्स को दे दिया यार्न कपड़ा बनाने के लिए, फिर वीवर्स ने वापस से मर्चेंट्स को वो कपड़ा बना के दे दिया, मर्चेंट्स ने आगे ये जो कपड़ा है वो गारमेंट फैक्ट्री को दे दिया, जो दिल्ली में गारमेंट फैक्ट्री थी उसको दे दिया, इस गारमेंट फैक्ट्री ने आगे इसको एक्सपोर्ट कर दिया फॉरेन बिजनेस पर्सन को, राइट, फॉरेन बिजनेस पर्सन को। तो अभी तक जो भी हमने स्टोरी पढ़ी उसमें इतने लोग इन्वॉल्व थे। अब क्या इन सभी को सेम बेनिफिट हुआ, क्या ये सभी जितनी मेहनत कर रहे थे उन्हीं उसी के अनुरूप इन सबको फायदा हुआ, तो ऐसा आंसर है नहीं इसका। क्योंकि हमने देखा था स्वप्ना जो है वो कितना काम करती है, उसने बड़ी मेहनत से कॉटन उगाई, बट अल्टीमेटली उसको रुपए कितने मिले, सिर्फ 3,000 रुपए जो है उसको उसकी फसल के मिल पाए, तो उसने जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से उसे नहीं मिल पाया, तो शी वॉज डेफिनेटली नॉट द गेनर इन दिस चेन। फिर हमने इस ट्रेडर को देखा, डेफिनेटली इसने तो गेन किया था, इसने सस्ते में स्वप्ना से खरीद लिया और आगे ये महंगे में बेचेगा। फिर बीच में इस ट्रेडर ने जो यार्न बनाया था वो भी, उसने भी अच्छा खासा कमाया होगा। फिर मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स ने भी सस्ते में यार्न खरीदा, उसको वीवर्स को दे दिया, फिर सस्ते में ही उसने कपड़े वापस लिए। कपड़े जो खरीदे वो बहुत ही सस्ते में ये लोग वीवर्स को लेते हैं, तो वीवर्स को जितनी वो मेहनत करते हैं, 12-12 घंटे वो लोग मशीनों पे लगते हैं, उन लूम्स पे लगते हैं, तो उनको उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता। तो ये जो स्वप्ना हो गई, स्वप्ना है, और जो वीवर्स हैं, वीवर्स भी स्वप्ना की ही तरह ज्यादा गेन नहीं कर पाए, ये दे वर ऑल्सो नॉट द गेनर्स। फिर हमने गारमेंट फैक्ट्री की बात की। अब गारमेंट फैक्ट्री में बहुत सारे वर्कर्स थे, टेलर्स थे, वुमेन्स हु वर हेल्पिंग द टेलर्स एंड ऑल, तो दे वर ऑल्सो नॉट द गेनर्स, द हेल्पर्स इन द गारमेंट फैक्ट्री, राइट। एंड देन द फॉरेन बिजनेस पर्सन, दीज आर द पर्सन हु गेन्स द मोस्ट, हु गॉट द मैक्सिमम प्रॉफिट। ये जो फॉरेन बिजनेस पर्सन थे इनको सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ। तो हम देखेंगे जो भी ट्रेडर्स वगैरह थे, जो बिजनेस पर्सन थे, उन्हें तो फायदा हुआ, बट जो वर्कर्स थे,
जो वीवर्स थे, जो स्वप्ना जैसे छोटे फार्मर, उन्हें फायदा देखने नहीं मिला, उन्होंने जितनी मेहनत की थी उसके हिसाब से उन्हें पैसा नहीं मिला, तो स्वप्ना हो गई, वीवर्स हो गए, और ये जो वर्कर्स हो गए जो गारमेंट फैक्ट्री में काम कर रहे थे, टेलर्स हो गए जो टेम्परेरी बेसिस पे जिनको एम्प्लॉयमेंट मिली हुई थी, तो ये सभी लोग जो है ये गेनर्स नहीं थे, राइट। भले ही हम कहें कि इन लोगों ने ट्रेडर्स से, मर्चेंट्स से, इनसे ज्यादा मेहनत की, बट फिर भी इन्हें ज्यादा पैसा या ज्यादा इनकम जो है नहीं मिली।